कर दिए। नमस्कार, हम धान के खेत में खड़े हैं और ये फसल कुछ दिन बाद तैयार हो जाएगी। फसल जब भी तैयार होने पे आता है तो सबसे जो महत्वपूर्ण शब्द है किसान वर्ग के ये या जो उपभोक्ता वर्ग हैं उनके माथे में ये आता है MSP। तो इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि सब्जेक्ट ही है कि MSP और MEP क्या है, दोनों में जो M है वो मिनिमम वर्ड यूज़ होता है। जैसे MSP है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड MEP का मतलब है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। ये दोनों शब्द का एक रिलेशन है। रिलेशन ये है कि इससे बाज़ार का भाव तय होता है कि बाज़ार किस दिशा में जाए, बाज़ार महंगा हो बाज़ार सस्ता हो। MSP अगर बढ़ता है तो उसका एक फ़ायदा तो किसानों को मिलता है कि जो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट करने वाली एजेंसी हैं, या तो स्टेट के फूड कॉरपोरेशन हो या FCI हो, वो एक प्राइस किसानों को पे कर देते हैं। अगर बाज़ार भाव नीचे भी है तो उनको एक रेट मिल जाता है और उनको ये फ़ायदा होता है कि उन्होंने जो उपज करी है उसका एक प्राइस आता है। लेकिन जब MEP लगाया जाता है तो वहाँ पे किसानों के लिए खबर बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। इसका मतलब होता है कि सरकार एक्सपोर्ट को लेके उस पार्टिकुलरली कमोडिटी को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रही है। थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि एक जगह जहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे किसानों को बल मिलता है, और एक जगह जब MEP की बात होती है, अगर सरकार MEP तय करती है तो वहाँ पे प्राइस एक कंट्रोल में आ जाता है। ये क्यों करना पड़ता है? सबसे आसान उपाय तो ये होता है कि सरकार एक्सपोर्ट को बैन कर दे, लेकिन एक्सपोर्ट को बैन करने के बाद कई चीज़ें सामने आती है। कुछ मित्र देश रहते हैं जो कि फूड से चीज़ों को अपने यहाँ फूड के इन्फ्लेशन को लेके बहुत ज़्यादा संकित हो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आप देखें, सरकार को 7-8 देशों को भेजना पड़ रहा है चावल, उसमें नेपाल भी एक देश है। ऐसा देखा गया कि जिस नेपाल में एक पर्टिकुलरली चावल की वैरायटी का प्राइस 30-35 रुपए किलो था, वो 70 रुपए हो गया। और कई मित्र देश वो कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हर समय खड़े रहते हैं, हम आप ही के संसाधनों पे ज़िंदा रहते हैं, और अगर आप हमें वो कमोडिटी नहीं देंगे तो हम कैसे सस्टेन करेंगे, हम अपने नागरिकों को कैसे सब कुछ सुविधा दे पाएंगे। तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इसलिए लाया जाता है कि एक प्राइस सरकार तय करती है जिसका जो एक्सपोर्ट मार्केट में रेट है उसके ऊपर रेट चला जाता है। यानी कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम लें, एक जस्ट उदाहरण स्वरूप अगर हम मान के चलें कि एक वैरायटी पे $1200 पर टन का MEP तय है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी मित्र देश को भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके नीचे आप नहीं कर पाएंगे, और नीचे जब नहीं कर पाएंगे तो बाज़ार जो इंटरनेशनल मार्केट है वो आपसे ख़रीदेगा ही नहीं सामान। क्योंकि अगर उस पार्टिकुलरली कंट्री में $1000 या $1100 पर टन उसका प्राइस है तो कोई आपसे $1200 पर टन क्यों खरीदेगा? तो नेचुरली आप एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, और गवर्नमेंट यही चाहती है। अब एक जो बहुत ही समझने वाला प्रश्न है वो है कि एक्सपोर्ट बैन भी हो सकता है, MEP क्यों ला देते हैं? तो उसके लाने के पीछे वजह ये होती है कि बहुत बार, जैसे अगर धान की बात हम करें तो इसमें बासमती, नॉन बासमती, फिर नॉन बासमती में भी पारबॉइल्ड, अरवा, इस तरह की वैरायटी होती है। तो कई दफ़ा एक्सपोर्टर ये खेल खेलते हैं कि एक वैरायटी को ये बता के कि आपने तो बासमती को बैन रखा है, नॉन बासमती आपने चालू रखा है, या नॉन बासमती बैन रखा है बासमती चालू रखा है, तो बिल उस रेट से बना देते हैं और कहते हैं कि भाई हमने तो वो वैरायटी नहीं करी है। लेकिन जब MEP की बात आएगी और अगर आप उसके नीचे के प्राइस पर उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप पकड़े जाएंगे, या फिर आपको कहीं ना कहीं कस्टम और ये वो अलाउ ही नहीं करेंगे कि भाई ये कमोडिटी इतने से नीचे बेचने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में अलाउ नहीं है। तो ये एक MEP का पूरा तरीका है। और MSP तो सबको पता ही होता है कि भाई ये सरकार हर साल में करीब एक रबी सीजन के लिए तय करती है, खरीफ सीजन के लिए तय करती है। जो सरकार मेथोडोलॉजी की बात कर रही है वो कहती है कि जो इसका उत्पादन कॉस्ट है उसमें 50% प्रॉफिट जोड़ के और MSP तय करते हैं, जिसके एवज में हम किसानों से प्रोक्योर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।